राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 14। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 14। अमस्याह का राज्य। इसराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोअद्दीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के लड़के बालों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने लोन की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इसराइल के राजा योआश के पास जो एहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था दूतों से कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन में का एक वनपशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता तो है, इसलिए तू फूल उठा है, उसी पर बढ़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना। तब इसराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेत शेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इसराइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था बेत शेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और यरूशलेम की शहरपनाह से एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर शोमरोन को लौट गया। योआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इसराइल के राजाओं के बीच शोमरोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोआहाज के पुत्र इसराइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लाकिश को भाग गया, सो उन्होंने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने
अजरयाह को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया उसके बाद अजरयाह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। दूसरे यरोबाम का राज्य। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इसराइल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इसराइल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो का त्यो कर दिया, जैसा कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेथेपेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इसराइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इसराइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इसराइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा, सो उसने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में से था इसराइल के वश में फिर मिला लिया, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो इसराइल के राजा थे सो गया और उसका पुत्र जकरयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।